जी नमस्कार, मैं हूं सुनील सिंह और आप देख रहे हैं आज़ाद सिपाही। इस वक्त हमारे साथ में डॉक्टर इरफान अंसारी, जो विधायक कांग्रेस पार्टी से निलंबित हैं या नहीं पता नहीं, लेकिन विधायक दल की बैठक में भी शामिल हो रहे हैं और तमाम सरकार के और कांग्रेस के पक्ष में खड़े। और भी मामले आ रहे हैं जिससे पूरे राजनीतिक झारखंड की राजनीति या सियासत कहें तो बदल दी है, और शीतकालीन सत्र चल रही है और इस शीतकालीन सत्र में शामिल होने के लिए इरफान जी आए हुए हैं। इनसे ही सीधे सीधे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आप कांग्रेस में हैं? ये कैसा सवाल है आपका? क्योंकि आपका निलंबन हुआ था तो उसके बाद से फिर देखिए, निलंबन का मतलब क्या है? सभी लोग होता है निलंबन, एसपी होता है निलंबित, डीसी भी होता है निलंबित, इसका मतलब क्या है? डीसी नहीं रहेगा। कांग्रेस पार्टी, हम जमजात कांग्रेस पार्टी हैं, तो अगर निलंबन है, निलंबन वापस होगा, देख रहे हैं। मतलब कब तक होगा? जैसे आप बताए थे कि 17 तारीख तक हम लोग जाएंगे हम लोग, लेकिन नहीं, राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं और नफरत को कम कर रहे हैं, मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं राहुल गांधी जी, तो सारे लोग उसमें लगे हैं। लेकिन ये मोहब्बत कहाँ है? जामतारा में भारत जोड़ो यात्रा हो रहा था और उसमें आप नहीं शामिल हो, आपको नहीं किया गया, आपका कार्यकर्ता जो है प्रदेश अध्यक्ष के साथ में दो चार हाथ भी कर लिया। अब अजीब बात कर रहे हैं, आप थे वहाँ? जो वीडियो आया तो हम लोग देखे हैं। वीडियो में क्या था? आपने आप अध्यक्ष जी से पूछा? अकेल रहा है एकदम। नहीं, अध्यक्ष जी को पीछे आपने पूछा? जी भी बोले क्या कि नहीं, ऐसा छोटी छोटी बात फिर ऐसा नहीं क्या हम शामिल हो रहे, मतलब जामतारा कांग्रेस को हमने वहाँ आयोजन कराया था प्रोग्राम को, तो आप कुछ ये नहीं कह रहे कि गलत? गलत नहीं है कि उनको नहीं बुलाया गया था। अध्यक्ष जी बोले आपको? हाँ, किसने बोले? बयान दिया? नहीं, नहीं दे सकते अध्यक्ष जी, वहीं शामिल हैं, नहीं बुलाया गया। तो आप कार्यक्रम मैं करा रहा हूँ तो मतलब नहीं बुलाया गया? मतलब कार्यक्रम मैंने कराया और ऐतिहासिक कार्यक्रम मैंने कराया। ये दुर्भाग्य है कि कुछ लोग हैं वहाँ पर जिसने गलत इन्फॉर्मेशन दिया मीडिया में। हम पब्लिक ला रहे हैं, कार्यकर्ता को ला रहे हैं, राहुल जी को नेतृत्व को सफल बना रहे हैं और जानबूझकर एक साजिश के तहत हमें बदनाम किया जा रहा है। अच्छा, राहुल गांधी के नाम पर इतना भीड़ हो रहा है मेरे, आप देखिए कितना भीड़ था, सबसे ज़्यादा एकजुट है, सबसे ज़्यादा भीड़ जामतला में था, एकदम लोग महिला कतार के कतार लगा हुआ था, तो थोड़ा बहुत डिसबैलेंस होगा। इसका मतलब क्या हो गया? आप जामतला से जाके पूछिए, वहाँ के लोगों से पूछिए कितना खुश है लोग राहुल जी की पदयात्रा से। ये बातें गलत इंपैक्ट, गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया और गलत इन्फॉर्मेशन का शिकार ही इरफान अंसारी हुआ है। अच्छा, ठीक है इरफान जी। और एक दूसरा मुद्दा ये है कि अभी जिस तरह से रिबिका का मामला चल रहा है और पूरा सियासत जो है, एक मिनट मैंने बता दिया, चलिए ओके। तो ये थे इरफान अंसारी जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो अभी तक कांग्रेस में मौजूद हैं और जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष ने वहाँ पर जामतारा में कार्यक्रम किए थे और वो कार्यक्रम में जो भीड़ जुटी थी वो भीड़ उनके द्वारा ही लाई गई थी। अब देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी इरफान अंसारी का निलंबन वापस लेते हैं या नहीं, इसकी कब तक आधिकारिक सूचना देते हैं। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज़ाद सिपाही। धन्यवाद।